आज आप लोगों को बताया जा रहा है गमला नाडेप कंपोस्टिंग किस तरह से बनाया जाता है। गमला नाडेप कंपोस्टिंग के लिए प्लास्टिक गमला न लेकर के मिट्टी का गमला लेना चाहिए, टेराकोटा का गमला लेना चाहिए, क्योंकि इसमें कंपोस्ट बनाने से बैड स्मेल नहीं आती है, बैड अडर नहीं आती है। इसलिए हमारे पास जो किचन वेस्ट होता है, कुछ किचन वेस्ट में एक वेट टाइप का होता है गीला वेस्ट और दूसरा जो है ड्राई टाइप का होता है, तो दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। ड्राई टाइप वेस्ट में पेड़ों की सूखी पत्तियां भी ले सकते हैं। तो गमला का जो साइज है वो 12 इंच का होना चाहिए, और 12 इंच का गमला से बड़ा भी लिया जा सकता है, लेकिन इससे छोटा लेने पर अच्छा नहीं बनता है। तो गमले को कैसे भरते हैं, सबसे पहले गमले के नीचे जो छेद होता है जिसको ड्रेनेज होल कहते हैं, ड्रेनेज होल को ठीक से देख लेना चाहिए, बंद तो नहीं, अगर बंद है तो साफ कर देना चाहिए, और उसके ऊपर पेबल्स या गमले के टूटे हुए पार्ट को लगा देना चाहिए, जिससे ज़्यादा पानी हो, एक्सेस वाटर हो, तो उसका ड्रेनेज हो जाए। तो सबसे पहले जब इसका भरना शुरू करते हैं तो पहले केचुआ की खाद, बर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद या FYM को सबसे पहले 1 इंच की लेयर में लगा देते हैं। 1 इंच का मतलब हुआ 2 अंगुल, और फिर उसके ऊपर फिर सूखी हुई पत्तियां लगाते हैं 2 से 3 इंच, फिर उसके ऊपर गीला किचन वेस्ट की लेयर लगाते हैं, फिर इसके ऊपर बर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी खाद की एक लेयर 2 इंच की लगा देते हैं, इसके ऊपर फिर सूखी पत्तियां या सूखा किचन वेस्ट, फिर उसके ऊपर गीला किचन वेस्ट, और फिर उसके ऊपर FYM या केचुआ की खाद की लेयर लगा देते हैं। यही क्रम तब तक लगाते हैं जब तक गमला पूरा न भर जाए। ये क्रम लगभग 3-4 बार करने से ये पूरा भर जाता है, ऊपर तक भर देना चाहिए जिससे डोम लाइक शेप बन जाए। फिर ऊपर से थोड़ा सा मॉइस्चर डाल देते हैं, मॉइस्चर डालने के बाद जिससे पूरा गीलापन रहेगा तो अच्छा कंपोस्ट बनेगा। अच्छा, ये जो बर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी खाद डालते हैं तो इसलिए डालते हैं, जो स्टार्टर का काम करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उससे स्टार्ट हो जाते हैं, डिकम्पोज करने लगते हैं। अच्छा, इस मटेरियल में कभी भी बेकरी वाले सामान जैसे पाव रोटी है, बिस्किट वगैरह, ये सब नहीं डालना चाहिए, ना तो मीट वगैरह डालना चाहिए, नॉन वेजिटेटिव मटेरियल, क्योंकि उससे गंध आती है, और बेकरी प्रोडक्ट में ईस्ट पाया जाता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रोब्स हैं, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है, रोकता है, उनको नहीं डालना चाहिए, नहीं तो अच्छी ग्रोथ माइक्रोब्स की नहीं होती है और डिकम्पोजर्स अच्छे से डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं। इस तरह से गमले को पूरा ऊपर से भरने के बाद ये ठंडियों में 45 दिन से 50 दिन में बन के तैयार होता है, और गर्मी में और बारिश में 30 दिन 1 महीने में गोबर की ये कंपोस्ट बन के तैयार हो जाती है। ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आती है।